हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोगों को एक एग्जीबिशन पे जाना था। ये एग्जीबिशन बेसिकली एक पार्क में लगी है। यहाँ कल्चर वाइज चीज़ें आपको दिखेंगी, कल्चर एग्जीबिशन है ये। यहाँ पे आपको स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स दिखेंगे, यहाँ पे आपको हैंडक्राफ्ट दिखेंगे, कपड़े, चीज़ें, डेकोरेशन पीसेस, एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल इन दिस एग्जीबिशन। आप देखिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। हम लोगों को यहाँ जाके इन्वायरमेंट इतना अच्छा लगा, वाइब्स इतनी अच्छी थी इस जगह की। यहाँ पे ये कुछ बर्तन हैं जो हैंडक्राफ्ट दिखा रहे लगाए हुए हैं स्टॉल्स पर, मिनिमम प्राइस में हैं। बाहर कहीं से आप लेंगे वो भी आपको इतनी ही प्राइस में मिलते हैं। तो वुडन वर्क सारा यहाँ पर इन्होंने कितना बेहतरीन किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये सब हैंडवर्क है। एक तो वुडन में है, ऊपर से हैंडवर्क है, फ्रेम्स, ये शेप्स, ये सब कुछ। थोड़ा सा आगे जाकर हमें तंदूरी चाय नज़र आई, सोचा पिए, बट हमने ये वापसी में इंजॉय की थी। उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिटेल में थोड़ी सी। यहाँ पे सज्जी, लाइव सज्जी बन रही थी। अच्छा, फूड वालों का ना एक मज़ेदार पार्ट ये है कि लाइव हर चीज़ बन रही है। आप लोग जो चीज़ खाना चाहते हैं उसको आप लोग यहाँ पर लाइव इंजॉय कर सकें। सिटिंग एरिया काफ़ी अच्छा है और ये सारा फूड एरिया था। हमने कुछ गिनी चुनी चीज़ें दिखाई हैं आप लोगों को। यहाँ सरसों का साग लाइव बन रहा था विद मकई की रोटी, देसी घी और अचार, कतलमा यहाँ था। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी और हसीन मौसम। आप यकीन करें, ये दोपहर का वक्त था 3 बजे और जिस टाइम धूप भी पीक पर होती है, बट हम लोगों को इसलिए इतना एंजॉय हमने किया कि एक तो मौसम बहुत प्यारा था, ठंडी ठंडी हवा थी। और फिर कुबैर साहब हमसे ये कह रहे हैं कि उन्होंने कॉफ़ी पीनी है, बट हमने तो आगे जाके तंदूरी चाय पीनी थी। यहाँ तवा पीस लाइव बन रहा था, बहुत सारे स्टॉल्स थे। हम लोगों को सामने सारे स्टॉल्स देखे, हमें सब बहुत अच्छा लगा। जो चीज़ शॉपिंग करने की थी हमने वो भी की है, वो हम आपके साथ अलग से व्लॉग में शेयर करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें।